डैडी, स्वीटू और टूटू झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे क्योंकि ग्रैनी जेसन रॉड और मिस्टर मीट के साथ उनके फार्म हाउस पे आ चुकी थी। ग्रैनी घर के बाहर ही खड़ी हुई थी जबकि रॉड, मिस्टर मीट और जेसन घर के अंदर थे। जेसन ने कहा, जाओ लतीफा फैमिली को पकड़ के लाओ, मैं अपनी तलवार से उनकी बोटी बना दूंगा। रॉड और मिस्टर मीट लतीफा फैमिली को ढूंढने के लिए फौरन से भागे। ग्रैनी को शक हो रहा था कि लतीफा फैमिली घर के अंदर नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये है लतीफा फैमिली का सीजन 5 का पार्ट 5। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लें ताकि आप ये सीजन फुल एंजॉय कर सकें। मिस्टर मीट और रॉड को घर के अंदर कोई भी नहीं मिला। रॉड ने कहा, ग्रैनी तो कह रही थी कि वो लोग फार्म हाउस पे हैं, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। जेसन ने कहा, लगता है लतीफा फैमिली कहीं और छुपी हुई है, आओ बाहर चलते हैं। मिस्टर मीट ने ग्रैनी को बोला, हमने पूरा घर छान मारा मगर लतीफा फैमिली का कोई निशान नहीं मिला, मुझे लगता है वो लोग यहाँ आए ही नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ग्रैनी ने कहा, अरे बेवकूफ लोग, तुम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो, ये देखो ये लकड़ियाँ गर्म हो रही हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी इसको बुझाया है, वो लोग यहीं कहीं छुपे हुए हैं, ढूंढो उन्हें। टूटू ने कहा, डैडी हम लोग फंस गए, ग्रैनी को शक हो गया है, अब हम लोग नहीं बच सकेंगे, वो हम लोग को मार डालेगी। डैडी ने कहा, खामोश हो जाओ, क्यों जोर जोर से बोल रहे हो, वो लोग हमारी आवाज सुन के हमारे पास आ जाएंगे। ग्रैनी ने कहा, रॉड मिस्टर मीट मेरा यकीन करो, वो लोग यहीं कहीं छुपे हुए हैं, मुझे तो उन लोगों की खुशबू भी आ रही है, जरा मेरे साथ इस झाड़ियों के पास तो आना, मुझे कुछ शक हो रहा है। जिन झाड़ियों के पीछे डैडी, स्वीटू और टूटू छुपे हुए थे वो तीनों उधर ही आ रहे थे। फिर अचानक से उन तीनों को जेसन की आवाज आई, वो उन लोगों को बुला रहा था। रॉड ने कहा, ये जेसन हमें क्यों बुला रहा है, उसे क्या हो गया है। मिस्टर मीट ने कहा, लगता है जेसन को लतीफा फैमिली मिल गई, रॉड और ग्रैनी आ जाओ मेरे साथ। रॉड और मिस्टर मीट तो वहां से भाग गए, मगर ग्रैनी को शक हो रहा था कि झाड़ियों के पीछे कुछ है, मगर जब उन लोगों ने फिर से आवाज दी तो ग्रैनी वहां से चली गई। डैडी ने कहा, बचत हो गई, अभी हम लोग पकड़े जाते, अब यहाँ हम लोग ज्यादा देर नहीं छुप सकते, फौरन से घर के पीछे की तरफ चलो। वो लोग वहां से फौरन से भागे और घर के पीछे की तरफ चले गए। जेसन को लतीफा फैमिली की गाड़ी झाड़ियों में छुपी हुई नजर आ गई थी, इसलिए जेसन ने उन तीनों को आवाज दी थी। मिस्टर मीट ने पूछा, क्या हुआ जेसन, लतीफा फैमिली के बारे में कुछ पता चला क्या। जेसन ने कहा, लतीफा फैमिली का तो नहीं पता चला, मगर मुझे ये एक गाड़ी नजर आई है। ग्रैनी ने कहा, ये गाड़ी, इस गाड़ी को तो मैं पहचानती हूँ, ये लतीफा फैमिली की गाड़ी है, इन्होंने झाड़ियों में छुपाने की कोशिश की, वो लोग यहीं कहीं हैं, ढूंढो ने ढूंढो फौरन। दूर से दादा, दादी और मम्मी दरख्त के पीछे छुपे हुए ये सब देख रहे थे। दादी ने कहा, अरे इन्हें हमारी छुपाई हुई गाड़ी मिल गई, अब यहाँ हम ज्यादा देर नहीं रुक सकते, फौरन से यहाँ से भागना होगा, चलो भागो। ये तीनों भी वहां से फौरन भागे और फिर घर के पीछे सारे घर वाले मिल गए। दादा अबू ने कहा, इन लोगों को तो यकीन हो गया है कि हम लोग फार्म हाउस आए हुए हैं, अब क्या करें, कहाँ छुपे जाके हम लोग। डैडी ने कहा, हमारे पास छुपने की सिर्फ एक ही जगह बची है और वो है जंगल, हमें जंगल में जाना होगा। मम्मी ने कहा, जंगल, जंगल तो हॉन्टेड है और वहाँ तो जाना मना है, हम लोग तो वहाँ मुसीबत में फंस सकते हैं, अब क्या करें। सब घर वाले खड़े हुए यही सोच रहे थे कि कहाँ जाएं, कहाँ छुपें। फिर उसी वक्त स्वीटू ने पीछे पलट के देखा तो वो देख के डर गई, क्योंकि ग्रैनी, रॉड, मिस्टर मीट और जेसन पीछे खड़े हुए उनको देख रहे थे। देखो हम इन्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और ये लोग घर के पीछे मीटिंग कर रहे हैं, पकड़ लो इन्हें, बच के ना जाए, चलो जाओ, इंतजार अब किस चीज का। दादा बू ने कहा, अरे भागो जंगल पे, और कोई ऑप्शन नहीं है, ये जंगल बहुत खतरनाक और हॉन्टेड है और यहाँ जाना मना था, मगर लतीफा फैमिली के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन लोगों को इस खतरनाक घने जंगल में अपनी जान बचाने के लिए जाना पड़ गया। मैंडी आखिरकार फार्म हाउस पहुंच गई, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, लतीफा फैमिली को जंगल में गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। मैंडी ने जब ये गाड़ी देखी तो ये समझ गई कि ग्रैनी यकीनन अपने साथियों के साथ फार्म हाउस पर हमला कर चुकी है। जंगल में काफी अंधेरा हो रहा था, सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे क्योंकि जेसन, रॉड, मिस्टर मीट और ग्रैनी बहुत तेजी से उनके पीछे आ रहे थे। लतीफा फैमिली बहुत चालाकी से दरख्तों के इर्द गिर्द घूम करके उन लोगों को डॉज दे करके अपनी जान बचाने में कामयाब हो रहे थे।
ग्रैनी को गुस्सा आ रहा था। ग्रैनी बोल रही थी, अरे पकड़ो, पकड़ क्यों नहीं पा रहे, ये तुम लोगों को टॉर्च कैसे दे रहे हैं, अरे रॉड तुम कहाँ हो, तुम बच्चों को पकड़ो। रॉड ने कहा, आ रहा हूँ, ये बहुत तेज भाग रहे हैं। मगर आखिरकार लतीफा फैमिली कब तक भागते 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 वो लोग ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पर वो लोग फंस गए। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। दादा बू ने कहा, अरे ये कहाँ फंस गए, अच्छा भला भाग रहे थे, अब तो हम लोग गए, वो लोग पीछे आते ही होंगे, यहाँ से जाने का अब कोई रास्ता नहीं है सवाए यहाँ हम लोग छलांग लगा दें। यह बताओ तुम लोगों को स्विमिंग आती है कि नहीं। लतीफा फैमिली के सामने एक तेज बहता हुआ दरिया आ चुका था। वो लोग पानी को देख के डर गए। अब उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदना ही पड़ेगा और दूसरी तरफ स्विमिंग करके जाना होगा। दादी ने कहा, मुझे तो स्विमिंग नहीं आती, मैं तो डूब जाऊंगी, पता नहीं कितना गहरा है ये पानी। पीछे मिस्टर मीट, जेसन, ग्रैनी और रॉड आ चुके थे। ग्रैनी पागलों की तरह खुश हो रही थी। रॉड ने ग्रैनी को बोला, तुम्हें क्या लगता है ग्रैनी, ये लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदेंगे या नहीं। ग्रैनी ने कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ये लोग डरपोक हैं और पानी में नहीं कूदेंगे, चलो आ जाओ और अब तुम लोगों को जो पसंद है उसको मार डालो। दादा अब्बू ने कहा, मैं तो कूद रहा हूँ, और ये कह करके पानी में कूद गए। दादी और मम्मी भी पानी में कूद गईं। ग्रैनी ने कहा, अरे ये क्या, ये लोग तो कूद गए पानी में, चलो रॉड और जेसन मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, चलो पानी में कूद जाओ। रॉड ने कहा, हम क्यों कूदे पानी में, तुम कूद जाओ। ग्रैनी ने कहा, अरे मैं, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते, जाओ पानी में। ये दरिया ज्यादा गहरा नहीं था। दादा दादी और मम्मी आराम से तैरते हुए दूसरी तरफ जा रहे थे। मिस्टर मीट, जेसन, ग्रैनी और रॉड सब गुस्सा कर रहे थे, वो लोग पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। फिर अचानक मम्मी को एहसास हुआ कि सिर्फ यही तीनों पानी में कूदे हैं, डैडी, स्वीटू और टूटू तो अभी तक दरिया के किनारे पे खड़े हुए हैं। मम्मी ने कहा, अरे ये लोग तो अभी तक वहीं पे खड़े हुए हैं, अरे आ जाओ पानी में, डरो मत, कूद जाओ। डैडी तो पानी में कूदने के लिए बिल्कुल तैयार थे, मगर टूटू स्वीटू हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। डैडी ने कहा, 1 2 3 बोलूंगा, मेरे साथ कूद जाना, 1 2 3। फिर डैडी ने एक लंबी से सांस ली और फिर पानी में छलांग लगा दी। अब सिर्फ टूटू और स्वीटू ही बचे थे, वो लोग हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। उन लोगों को लग रहा था कि जैसे उनके पांव जमीन में जम गए हों। डैडी ने उन लोगों को पलट करके देखा और बोले, तुम लोग मेरे साथ कूदे क्यों नहीं, देखो पानी गहरा नहीं है, आ जाओ प्लीज। नहीं डैडी, हम इस पानी में नहीं आ सकते, स्वीटू ने डैडी को जवाब दिया। डैडी ने पूछा, मगर क्यों नहीं आ सकते पानी में। डैडी, अब तो हम बिल्कुल भी नहीं कूदेंगे, वो देखें दरिया के दूसरी तरफ मगरमच्छ हैं। डैडी ने कहा, मगरमच्छ कहाँ पे। दरिया के दूसरे किनारे पर भूखे मगरमच्छ इंतजार कर रहे थे कि कब कोई पानी में आए और ये उन पर हमला करके इन लोगों को खा जाएं।